बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, छत पर सो रहे परिवार पर बदमाशों ने किया हमला, पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया। कानपुर में जुलूस के दौरान चले जमकर लाठी और डंडे, युवकों के लाठी चलाने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस की मौजूदगी में जुलूस के दौरान बवाल हुआ। गाजियाबाद में लोनी अस्पताल के बाहर फायरिंग हुई, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, पंचन भाटा गांव में आतंकियों की घेराबंदी, बीती रात रुक रुक कर कई इलाकों में गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के खिलाफ सघन सर्च ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ में शहीद जवानों को LG मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि, एनकाउंटर में सेना के 4 जवान हुए थे शहीद। सीएम योगी ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई, सीएम आवास पर सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यूपी पर सघन मंथन हुआ, जेपी नड्डा ने केशव मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी के साथ चर्चा में योगी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण पर गृहमंत्री अमित शाह की दो टू, कहा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है, हम नहीं छीनने देंगे पिछड़ों का हक, हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण की अनुमति नहीं देंगे। अस्वस्थ करना चाहते हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे, BC के हक की हम संरक्षण करेंगे। बजट सत्र से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन हुआ, बजट की तैयारी पूरी होने पर वित्त मंत्री ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया, 22 जुलाई से शुरू होगा सत्र। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मतदाता अभिनंदन समारोह में भिड़े बीजेपी नेता, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच हुई तूतू मैं, पुलिस ने किया बीच बचाव। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, कहा हरियाणा सरकार ने नहीं किए वादे पूरे, हरियाणा में बेरोजगारी, अपराध और नशे की दर सबसे ऊपर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, केंद्रीय बजट में राज्य के लिए अधिक आवंटन की मांग की। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मुलाकात की, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, कहा हम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत सीतारमण बनी पदेन सदस्य, सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को जगह मिली। बरेली में तौकीर रजा के कार्यक्रम का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, SSP ने कहा बिना अनुमति के नहीं होने देंगे कार्यक्रम। सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान से पीछे हटा तौकीर रजा, 21 जुलाई को 5 हिंदू जोड़ों का निकाह और धर्म परिवर्तन कराने के लिए कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी जो कि नहीं मिली। बिहार के दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में हिरासत में लेकर कई लोगों से पूछताछ जारी है, मुकेश सहनी बोले मेरे पिता की बेरहमी से हत्या हुई, हत्यारों पर हो कड़ी कार्रवाई। जीतन सहनी मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी CCTV फुटेज, वीडियो में दिखे 4 संदिग्ध, 2 लोगों ने जीतन सहनी से बाइक गिरवी रखकर उधार पैसे लिए थे। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में गुंडा राज है, ध्वस्त कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बिहार में पूरी तरह से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। डोडा आतंकी हमले पर बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, आतंक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सुरक्षा बल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मॉरिशस के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री SJYSHANKAR, सिविल सर्विस कॉलेज का निर्माण कर रहे कामगारों से की मुलाकात, ट्वीट कर लिखा कामगारों से मिलकर अच्छा लगा। साल 2024-25 में आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान, IMF ने जारी किया आंकड़े, कहा भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से हो रही है मजबूत। पूजा खेडकर की मां का धमकी भरा एक और वीडियो वायरल, साल 2022 का है वीडियो, मेट्रो कर्मियों से बहस करती नजर आई मनोरमा। ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की रोकी गई ट्रेनिंग, 23 जुलाई तक मसूरी एकेडमी पहुंचने के आदेश, पूजा ने वाशिम पुलिस से की पुणे DM की शिकायत, उत्पीड़न का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, भक्तों में उत्साह है, सभी ने लगाए बम भोले के नारे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में IAS अधिकारी पर एक्शन, IAS अधिकारी देवी शरण उपाध्याय हुए निलंबित, जमीनों के पट्टे गलत तरीके से बहाल करने का आरोप लगा था।
मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी को 14 दिन की जेल। कोर्ट ने मेहर शाह को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। बिहार से मास्टरमाइंड समेत दो लोग गिरफ्तार हुए। पटना से गिरफ्तार पंकज सिंह ने ट्रक से चुराया पेपर। हजारीबाग से अरेस्ट राजू ने पेपर बांटे। पंजाब में लधोवाल टोल प्लाजा पिछले एक महीने से बंद है। किसानों की तरफ से बंद किया गया टोल प्लाजा, नहीं हो रही है टैक्स की वसूली। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसात्मक हुआ विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प के दौरान 6 लोगों की मौत हुई। हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। कर्नाटक के कलबुर्गी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध। कलबुर्गी में उप आयुक्त कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। अम्बेडकर नगर में मुहर्रम की 10वीं को निकालने वाले जुलूस को लेकर पुलिस सतर्क। मुहर्रम के जुलूस की ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। उत्तराखंड के मंगलौर में पत्थरबाजी का मामला। पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। उपचुनाव में जीत के बाद बिना अनुमति जुलूस निकाला, पथराव किया। पुलिस से अभद्रता के भी आरोप। लखनऊ के पंतनगर में बुलडोजर एक्शन पर रोक। सीएम के आश्वासन के बाद लोगों ने मनाया जश्न। सीएम योगी बोले, जनता की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी। यूपी में टीचर्स की डिजिटल हाजिरी पर रोक लग गई है। 2 महीने तक जारी रहेगी रोक। डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे शिक्षक। अब सभी पक्षों के साथ बातचीत के बाद होगा अंतिम फैसला। बुलंदशहर के खानपुर में प्राचीन गेट पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने गिराया गेट। बुगरासी थाने के सामने बना था दरवाजा। मानहानि मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता को दी हिदायत। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ न करें अपमानजनक टिप्पणी। सीएम ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में धारा 308 का जिक्र। गैर इरादतन हत्या की कोशिश का चल सकता है केस। 30 जुलाई को कोर्ट में पेशी। दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रहे केदारनाथ धाम मंदिर का बदला जाएगा नाम। उत्तराखंड में संतों के विरोध के बाद ट्रस्ट ने नाम बदलने का फैसला किया। अयोध्या के लिए रवाना हुई बौखनाग महाराज की डोली। सीएम धामी ने देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बाबा बौखनाग की पूजा अर्चना की। गाजियाबाद में एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले बनाया था वीडियो। महिला मित्र के झूठे केस में फंसाने को लेकर किया। पंजाब के लुधियाना में फांसी से लटका मिला अकाउंटेंट का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। शराब तस्करी में फरार निलंबित कांस्टेबल नीता चौधरी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने सुरेंद्रनगर से पकड़ा। नीता चौधरी निचली अदालत से बेल मिलने पर फरार। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। सहारनपुर में कुरान पढ़ाने वाले टीचर ने नाबालिग से रेप किया। पीड़ित लड़की के परिवार ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी अफजाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पागल कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। 23 लोगों को काटकर किया घायल। जिम्मेदार प्रशासन ने नहीं ली मामले में कोई सुध। सीतापुर में आम बेचने वाले ने ई रिक्शा चालक को पीटा। ई रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। ई रिक्शा निकालने को लेकर हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में होटल संचालक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली के भंडारा मार्केट में आग का तांडव। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जल गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधमपुर के राउंड मेल इलाके में एक डंपर में आग लगी। धुधू कर जला डंपर। चालक ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। यूपी के शाहजहांपुर में हाईवे पर 2 सांडों ने जमकर उत्पात मचाया। सांडों को बचाने में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पैदल जा रहे किसान को रौंदा। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा हो गया। जोजिला दर्रे पर एक वाहन खाई में गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक घायल। राहत बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और अज्ञात वाहन की टक्कर में एक शख्स की मौत हुई जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रेन की चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। 2 शावक घायल हो गए। भोपाल के एक्सपर्ट डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी की धूम। विट्ठल मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर के बाहर दिखी लंबी कतार।